Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एफजेडी कंपनी से तनख्वाह लेने पर मौकिफ नहीं सुना गया। सासे जाहिर ना करने पर कामयाब उम्मीदवार को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। इंतखाबात को कलदम करार दिया जा सकता है। 28 जुलाई को फैसला देने वाले बेंच की हैसियत कानूनी नहीं थी। उस बेंच में मौजूद दो जज पहले फैसला दे चुके थे। नैप को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म देना भी कानून के मुताबिक नहीं। तहकीकात और ट्रायल पर मॉनिटरिंग जज की तैनाती की मिसाल नहीं मिलती। हर अदालत में केस का आजादाना फैसला करना होता है। पैनामा फैसला नजरेसानी केस में वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। हमने जीआईटी रिपोर्ट की तारीफ की और तहकीकात पर राय दी थी, लेकिन तहकीकात पर ट्रायल होना है। जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस खोसा ने कहा, ख्वाजा साहब फैसला लिखने वालों को फैसले का मतलब समझा रहे हैं। पैरा चार में वाजे है कि तीन रुकनी बेंच ने फैसला देना है, हमें मालूम है क्या लिखा है। नवाज शरीफ अब भी साजिशों में मुलव्वस हैं। चेयरमैन नैट को फ्रांस में सफीर बनाने की ऑफर दी गई है। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का इल्जाम। फहद हसन फहद ने टेलीफोन करके चेयरमैन नैट को पेरिस में सफारत ऑफर की थी। उम्मा चौधरी कहते हैं, नजरेसानी अपील का मकसद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हटाने की कोशिश है। नैब नवाज शरीफ से मिला हुआ है। नवाज शरीफ अहलिया की बीमारी के पीछे छुप रहे हैं। उम्मीद है हुदैबिया केस खुलेगा। वॉल्यूम 10 से मुतालिक जवाब आना शुरू हो गए हैं। ये एनए 120 में लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। दिसंबर में दाखिल करेगा। तीन इजलासों में वजारत दिफा का जवाब नहीं आया। स्पीकर कौमी असेंबली बरहम, एहतजाजन इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को खड़े रहकर जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नवाज की रजिस्ट्रेशन की मंसूख करने के मुकदमे की समाप्त। चारों दरखास्तें यकजा कर दी गयी। समाप्त 26 सितम्बर तक मुलतवी। शाहनवाज रांझे का पता ना कौन था? शाहनवाज रांझे का पता ना कौन था? सरगोधा का पता ना? वो जाके अपने सारे पूरा सरगोधा ने मोबाइल फोन वाला वाक्य। ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहनवाज रांझा आपस में उलझ पड़े। तल्ख कलामी और एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। फवाद चौधरी प्रोग्राम छोड़कर चले गए। पिशावर में डेंगू वायरस पर काबू ना पाया जा सका। अमवात का सिलसिला जारी। आज भी डेंगू से मुतासिर दो अफराद दम तोड़ गए। हालिया दिनों में वायरस से मरने वालों की तादाद 23 हो गई। तलबा को मच्छरों से बचाव का लोशन इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची की सड़कों का बुरा हाल। सड़कों और शाहराहों पर चलना पुलिस रात पर चलने के मुतरादिफ हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले हिचकोले खा खा कर बेहाल। हादसात मामूल बनने लगे। पिशावर समेत केबीके के 18 अजला में विलेज काउंसिल के नाजमीन और नायब नाजमीन की खाली नशिस्तों पर जिमनी इंतखाब। यूनियन काउंसिल काउंसलर्स और नाजमीन शो ऑफ हैंड से चुनाव कर रहे हैं। दुनिया को एटमी हथियारों में कमी लाने, आलमी दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन खतरात का सामना है। मिलकर निमटना होगा। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का जनरल असेंबली से खिताब। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी 21 सितम्बर को खिताब करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तारकीन वतन पर पाबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का हुक्मनामा बहाल कर दिया। मजीद समाअत 10 अक्टूबर को होगी। इससे पहले अदालतों ने यह हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया था। नई पाबंदियों के बाद शुमाली कोरिया की अमरीका को धमकी।